हाय दोस्तों, एस टेक में आपका स्वागत है। मैं जैसे सो दिया आपके पास लाया हूँ वीडियो नंबर 1 cakephp3.x की कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग किस तरह से हम करते हैं। तो तीन तरह से कर सकते हैं। जिप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एस टी डॉक्स फोल्डर में यानी लोकल होस्ट में। सेकेंड, गिट के थ्रू भी कर सकते हैं आप क्लोन बनाकर। थर्ड, कंपोजर के थ्रू भी कर सकते हैं। कंपोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे हम बताएंगे और समझेंगे इसको। तो बहरहाल जो भी ये प्रोजेक्ट आपको रखने होते हैं वो जैम के एस टी डॉक्स फोल्डर में रखते होते हैं लोकल होस्ट में। नीचे दिया गया रिक्वायरमेंट्स जैम वैम, आपको किसी एक की जरूरत पड़ेगी। मैं जैम भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पीएचपी एग्जीक्यूट कराने के लिए सर्वर की जरूरत तो पड़ती पड़ती है। ये एक फुल पैकेज है जैम, इसमें आपको पीएचपी, माइस्क्यूएल और अपाचे तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है। आइए देखते हैं यहाँ आपके पीएचपी 3.6 डाउनलोड। मैंने इसको यहाँ टाइप किया गूगल में, एंटर किया, बहुत सारे लिंक यहाँ खुल जाते हैं लिंक्स, और देखते हैं। मैं यहाँ से cakephp/cakephp लिखा है शायद, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से 3.6 cakephp मैं यहाँ से इंस्टॉल या डाउनलोड कर लेता हूँ जिप फाइल। आप 3.7 भी कर सकते हैं, 2 का यहाँ अभी लिंक नहीं है, आप दूसरे फोल्डर का पेज को ओपन कर सकते हैं, कहीं मिल जाएगा। cakephp की साइट पर भी सभी लिंक से जा सकते हैं। मैं 3.6 को जिप फाइल डाउनलोड करूँगा, और एक्चुअली मेरे पास है पहले से, तो मैं तो नहीं करने जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे। आप बिगनर हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ लिंक पर क्लिक करूँगा जैसे मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप डाउनलोड करते हैं। यहाँ ये यस, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कह सकते हैं पॉपअप खुलेगा। यहाँ आपको यस करेंगे अगर आपको डाउनलोड करना है तो। मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और ये फोल्डर में डाउनलोड में, ये आपके डाउनलोड सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको HT डॉक्स यानी लोकल होस्ट में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सी में चलते हैं। सी के बाद जैम्ब, जैम्ब के अंदर एस टी डॉक्स, और यहाँ हम इसको STDocs, यहाँ हम इसको एक्सट्रैक्ट, अच्छा पहले से ही मेरे पास है तो मैं यही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसी वाले फोल्डर को, और उसका नाम चेंज कर लेता हूँ जिस तरह से मैंने अपने वर्चुअल होस्ट में नेम दिया है प्रोजेक्ट का, वही मैं यहाँ रख देता हूँ। मैंने दिया है KPHP, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने कह लीजिए KPHP को डाउनलोड कर लिया और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एस फोल्डर देख सकते हैं, SRC फोल्डर होते हैं जिसमें कंट्रोलर मिलता है। ये वेंडर फोल्डर है, इसमें पैकेजेस होते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है एप्लीकेशन की। चलिए अब आगे देखते हैं ब्राउजर पर हमें क्या लिखना है और कैसे हमारा KPHP का जो व्यू है डिफॉल्ट वो लोड होता है। चलिए, अनेबल टू कनेक्ट दिखा रहा है लोकल होस्ट, जैसे मैंने इसको क्लिक किया। आप चलिए, यह हमारा अपाची जो लिखा है ये सर्वर है, ये अभी स्टार्ट नहीं था, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। चलिए माई स्कूल को भी कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं लोकल होस्ट पर फिर से हम ये पेज यहाँ क्लिक करते हैं, लोकल होस्ट लिखा, ये देखिए ये डिफॉल्ट जो पेज है, व्यू है, वो यहाँ शो हो गया। यहाँ कुछ एरर्स हैं जो हमें इसको रिमूव करना होगा, जैसे सिक्योरिटी सॉल्ट है, ये एक वैल्यू मांग रहा है जो कॉन्फिगर फोल्डर के अंदर app.php के अंदर हमें वैल्यू देनी है। तो ठीक है, हम वहाँ वैल्यू दे देंगे और ये रिमूव हो जाएगी एरर। नीचे इन्वायरमेंट है, यहाँ दिखा रहा है कि जो जो एक्सटेंशन आप लोडेड है वो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। PHP का वर्जन जो चाहिए वो दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये डेटाबेस में देख सकते हैं कि यहाँ हम डेटाबेस नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस नहीं मिला है, तो हमने अभी क्रिएट भी नहीं किया है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसका छोटा रखूँगा। तो ये सब दिखा रहे हैं कि KPHP की रिक्वायरमेंट, और ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपको एरर दिखाता, अगर ये ठीक से ओपन SSL ठीक से डाउनलोड नहीं होता, लोडेड नहीं होता, तो यहाँ प्रॉब्लम दिखाता, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम नए नए वीडियोस बनाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तब और उस तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे Part-02 में, और तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।